दोस्तों स्वागत है आपका IPL 2020 के रिगार्डिंग। राजस्थान रॉयल्स के CEO ने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो रिवील करी है, जहां पर टॉप थ्री चीज़ जो उन्होंने रिवील करी है, टॉप तीन बातें जो उन्होंने बताई हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी। तो अगर आप भी IPL के फ़ैन कर रहे हैं, IPL 2020 का इंतज़ार, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, आप किसे सपोर्ट करने वाले हैं IPL 2020 में, आप अपनी राय जो है कमेंट कर ज़रूर दें। दोस्तों यहाँ पर BCCI और सभी प्लेयर्स के अलावा फ्रेंचाइज भी जो है जितनी भी है, वो सभी चाहती हैं कि IPL 2020 जो है वो ज़रूर से हो, क्योंकि सभी का बड़ा नुकसान होने वाला है अगर IPL 2020 जो है वो होता है कैंसिल। आपको बता दें कि जो मीटिंग यहाँ पर फ्रेंचाइज ओनर्स और BCCI के बीच होनी है IPL 2020 से पहले, वो अभी जो है वो होल्ड है। जब यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट अपनी नेक्स्ट एडवाइजरी जारी करेगी, तब जो है वो मीटिंग हमें देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों राजस्थान रॉयल्स के जो CEO हैं रंजीत बार ठाकुर, उन्होंने काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो दी है, जहां पर सबसे पहली इंपॉर्टेंट अपडेट उन्होंने दी है कि 15 अप्रैल के बाद ही कोई डिसीजन IPL 2020 के ऊपर जो है वो लिया जाएगा। यानी कि 15 अप्रैल जब यहां पर इंडियन गवर्नमेंट अपनी नेक्स्ट एडवाइजरी जारी करेगी, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दी है यहां पर राजस्थान रॉयल्स के CEO ने। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो दी उन्होंने दोस्तों शॉर्टेंड IPL को लेकर, जहां पर उन्होंने कहा कि राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है शॉर्टेंड IPL के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यानी कि एक छोटे IPL के लिए भी राजस्थान रॉयल्स की टीम तैयार है। अगर 4-5 हफ्तों का भी IPL होता है तो राजस्थान रॉयल्स की टीम को कोई भी तकलीफ जो है वो नहीं है। ये बड़ी बात राजस्थान रॉयल्स के CEO ने कही। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है उन्होंने कही कि सिर्फ इंडियन प्लेयर्स के साथ भी अगर IPL 2020 होता है तो राजस्थान रॉयल्स की टीम इसके लिए भी जो है वो तैयार है। अगर कोई फॉरेनर प्लेयर नहीं खेलते IPL में, इसके लिए भी राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है वो बिल्कुल तैयार है। उन्होंने कहा दोस्तों अगर कुछ साल पहले इस चीज को किया जाता बिना फॉरेनर प्लेयर के तो काफी ज्यादा तकलीफ होती, लेकिन इस समय जितने अच्छे अच्छे इंडियन प्लेयर्स हैं यहां पर इंडिया के पास, ऐसे में आराम से जो है इंडियन प्लेयर्स के साथ भी IPL 2020 को कराया जा सकता है। ये बड़ी बात जो है वो कहीं यहां पर राजस्थान रॉयल्स के CEO ने। आपको बता दें कि यहां पर वीजा इश्यू जो है वो काफी चल रहा है फॉरेनर प्लेयर्स का। 15 अप्रैल तक के लिए सभी वीजा जो है वो कैंसल्ड है, इसी वजह से जो है IPL को पोस्टपोन किया गया है। और ये बयान जो दिया है राजस्थान रॉयल्स के CEO ने, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पर ये राजी हैं कि अगर इंडियन प्लेयर्स के साथ भी IPL कराया जाए तो राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है वो पूरी तरीके से राजी है। जबकि राजस्थान रॉयल्स की टीम फॉरेनर प्लेयर के ऊपर काफी डिपेंड रहती है, चाहे वो स्टीव स्मिथ हो, जॉस बटलर हो, बेन स्टोक्स हो, या फिर हो जॉफ्रा आर्चर। तो ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो दिए हैं यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स के CEO ने। आपको कैसे लगे दोस्तों ये अपडेट, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।